हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली स्पर्म टेस्टिंग या सीमेन एनालिसिस कैसे होता है कोई भी अच्छे लेबोरेटरी में। ये बहुत ही बेसिक, कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है मेल पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जब कपल्स को फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तब। नॉर्मली कोई भी कपल में हम मेल पार्टनर को कहते हैं कि तकरीबन 3 से 4 दिन का एब्सटिनेंस रखने के बाद में, मतलब 3 से 4 दिन तक संबंध रखने का अवॉइड करना है, और फिर आपको एक स्पर्म सैंपल हमको एक स्टराइल कंटेनर में देना है। ऐसा एक स्टराइल कंटेनर विच इज रैप्ड इन प्लास्टिक, ये प्लास्टिक पैक्ड रहता है, आपको या हॉस्पिटल में दिया जाएगा या आपके घर पे लिए लेके जाने को दिया जाएगा। अगर आप घर से कलेक्ट करके आते हो तो आपको ध्यान रखना है दैट यू शुड रीच द लेबोरेटरी within 30 minutes of collection of sample। उसी प्रकार से जब आप ये सैंपल इस कंटेनर में कलेक्ट करके हॉस्पिटल को देते हो तो within 30 minutes इस पूरे सैंपल का एनालिसिस होते हैं। हम आज देखेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन में ये पूरा एनालिसिस हम करते कैसे हैं। ओके, सो लेट्स सी। जैसे कि आप देखते हैं यहां पे, इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप, दिस इज अ स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ये है स्पर्म वार्मर, अगर आप इसे पढ़े, एंड इसके अंदर एक प्री वॉर्म्ड स्पर्म सैंपल है। राइट नाउ दिस स्पर्म सैंपल नॉर्मली 37 डिग्रीज पे रखा जाता है। एक पिपेट के द्वारा, एक छोटे से ट्यूब के द्वारा इसको इस स्पेशल चेम्बर के अंदर डाला जाता है। ये स्पेशल चेम्बर को हम बोलते हैं मैकुलर चेम्बर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पर्म का काउंट असेस करने के लिए, वो भी एक्यूरेटली। अब नॉर्मली सारे लेबोरेटरीज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा एक थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी है जहां पे हम कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस करते हैं। ये मैग्निफिकेशन के द्वारा ये पूरा चीज एक वायर से कनेक्ट होके एक स्क्रीन पे आता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन के अंदर स्पर्म्स कैसे दिखते हैं। सी दिस, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू सी द स्पर्म्स। अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी सारे स्पर्म्स ऐसे हैं, अगर मैं आपका पॉइंटर लगा के आपको दिखाऊं, राइट, तो यू विल सी यहां पे, सी देर आर सर्टन स्पर्म्स विच आर एक्टिवली मोटाइल, देर आर सर्टन स्पर्म्स जिसका मोटिलिटी, जिसका स्पीड बाकी के स्पर्म से कम है। थोड़े ऐसे स्पर्म्स है जैसे कि यहां पे आप देखेंगे तो जिनका मोशन का कोई स्पीड ही नहीं है। ये देखिए, इट इज नॉन मोटाइल स्पर्म। इसमें आपको तरह तरह के स्पर्म के मोटिलिटी, स्पर्म का जो टोटल काउंट है, ये सारे चीजों का बहुत अच्छी तरह से फायदा होता है। कोई भी अच्छे लेबोरेटरी में अगर आप जाएंगे तो वहां पे कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस की फैसिलिटी होती है। ये बहुत सारे चीजों का कैलकुलेशंस आपको देती है, जैसे कि स्पर्म का मूवमेंट कितना फास्ट है, स्पर्म का हेड कितना अच्छा है, स्पर्म का टेल कितना अच्छा है, स्पर्म का शेप कैसा है। इससे भी लेके बहुत सारे एडवांस्ड स्पर्म के टेस्टिंग काफी सारे कपल्स में किए जाते हैं। बट ध्यान रखिए, सीमेन एनालिसिस इज द मोस्ट बेसिक, द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डन टेस्ट। इस टेस्ट पे 50% आपका रिजल्ट निर्भर है, इसीलिए हमेशा आपको सीमेन एनालिसिस सबसे बेस्ट लेबोरेटरी या कोई फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके ही करना चाहिए जहां पे लैब फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है। एनी फर्दर क्वेश्चंस टू दिस आप हमारे कॉमेंट्स में डाल सकते हैं, एंड वी शैल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।